पीएनजी हो, दिल्ली में आज कोई भी इंडस्ट्री है वो पीएनजी फ्यूल पर मैंडेटरी कंप्लायंस के चलते शिफ्ट हो चुकी है। चाहे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी हो जो दिल्ली में मिलती है, जिस वजह से आज दिल्ली में इन्वर्टर और जनरेटर यूज नहीं होता, इसने प्रदूषण पर कंट्रोल किया। चाहे दिल्ली में जो दो थर्मल प्लांट थे, जो कोल बेस्ड प्लांट थे, उनको बंद कर दिया जा चुका है। आपने देखा होगा बीते कई साल से ग्रेडेड एक्शन प्लान भी चलता है, समर एक्शन प्लान चलता है, विंटर एक्शन प्लान चलता है प्रदूषण से फाइट के लिए। अब जब से आम आदमी पार्टी सरकार एमसीडी में भी आई है, तो लगातार हम लोग डस्ट को और कंस्ट्रक्शन से उत्पन्न मलबे को भी टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कल ही अरविंद केजरीवाल जी ने बुरारी में देश का सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला कंस्ट्रक्शन वेस्ट प्लांट का उद्घाटन किया और यहां पर मलबा रिसाइकल किया जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को भी हम लोग टैकल कर रहे हैं लगातार। ये अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिटिकल विल और दिल्ली के लोगों के अथक प्रयासों का नतीजा है, जो युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध चला है। कि रिसेंटली एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल की गई थी, इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023, जिसमें बताया गया कि 2016 से लेकर 2021 तक 2.5 कॉन्सेंट्रेशन, पीएम 2.5 कॉन्सेंट्रेशन में 22% की कमी आई है और पीएम 10 कॉन्सेंट्रेशन में 27% की कमी आई है। ये पार्लियामेंट में टेबल रिपोर्ट में बताया गया। 2022 में दिल्ली की हवा में और सुधार हुआ और 8% इंप्रूवमेंट हुआ। 2023 में ये सुधार करीब 31% हो चुका है। इसी वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक रिपोर्ट छापी, जिसमें कहा गया कि बीते 8 वर्षों में, जिसमें कोविड पीरियड को एक्सक्लूड किया गया, इंक्लूड नहीं किया गया, बीते 8 वर्षों में दिल्ली की हवा 2023 में सबसे क्लीन रही, बेस्ट एयर क्वालिटी रही। पर हम इस प्रोग्रेस से खुश नहीं हैं। आज मैं आपको रियल टाइम डाटा अगर पढ़ के बताऊं जो AQI का चल रहा है, प्लीज बेयर विद मी फॉर अ सेकेंड। मैं एज वी स्पीक ऑनलाइन रियल टाइम डाटा देख रही हूं और इसमें तीसरे नंबर पर मेरठ है, आठवें नंबर पर वलसाड है, 11वें नंबर पर अलवर है। ये टॉप 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड की बात कर रही हूं मैं। 13वें नंबर पर नवसारी है, 14वें नंबर पर हापुर है, 19वें नंबर पर सोनीपत है, 23 नंबर पर करनाल है, 24 नंबर पर सूरत है, 26वें नंबर पर गांधीनगर है, 27वें नंबर पर गोरखपुर है, 28वें नंबर पर मुजफ्फरनगर है, 29वें नंबर पर थाने है। दिल्ली नहीं है, दिल्ली नहीं है अभी तक। मैं 50 तक पहुंच गई हूं, 50 पे पानीपत है, दिल्ली नहीं है। ये अच्छी बात है पर हम खुश नहीं है इस बात से। एक कंबाइंड एफर्ट की जरूरत है। आपने देखा होगा लगातार हम लोग एक जॉइंट एक्शन प्लान की डिमांड करते रहते हैं पर ये आज तक हुआ नहीं है। हम लोग केंद्र में अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी सरकार बैठी है जो सिर्फ मन की बात करके चली जाती है, जॉइंट डिस्कशन जॉइंट एक्शन प्लान में विश्वास नहीं रखती। पर ये एक सच है कि हर साल अक्टूबर नवंबर में दिल्ली वालों को पराली का प्रदूषण झेलना पड़ता है। जैसे ही हमें पंजाब की जनता ने पंजाब में सेवा करने का मौका दिया, तो सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान जी ने पराली के ऊपर, पराली का समाधान निकालने पर अनेकों स्टेप्स लिए
लगातार काम करना शुरू किया। इसका नतीजा पिछले साल भी देखा था जब पराली प्रदूषण 2021 के मुकाबले कम था, और इस बार 2023 में हमने ऑलरेडी CAQM को एक रिपोर्ट सबमिट कर दी है जहां हम सुनिश्चित करेंगे कि पराली का प्रदूषण पंजाब से कम 50% और कम हो। हमने 6 डिस्ट्रिक्ट्स भी पंजाब में बताई हैं उस CAQM रिपोर्ट में, जहां पर हम जीरो फार्म फायर सुनिश्चित करेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं होशियारपुर, मलेरकोटला, पठानकोट, रूपनगर, SAS नगर मोहाली और SBS नगर। तो सो ये हम कैसे कर पा रहे हैं, पंजाब की सरकार ने ऐसा क्या किया? देखिए, हम सबको पता है कि ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए पंजाब और हरियाणा ने राइस एंड वीट का जो हार्वेस्टिंग और सोइंग पीरियड होता है वो सुनिश्चित किया हुआ है एक एक्ट के तहत। इसके बाद जो क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है लगातार, उससे क्या हुआ कि ये जो विंडो है राइस को हार्वेस्ट करने की और वीट को सो करने की, ये और कंप्रेस हो गई और कम हो गई, जिस वजह से फार्मर्स अपनी वीट सो करने के लिए पराली को जला देते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पिछली सरकारों ने ही उनको ये ज्ञान दिया था कि पराली जला देनी चाहिए। तो सबसे पहले भगवंत मान जी की सरकार ने अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जो पिछले एक साल से युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। इसमें 4000 वॉलंटियर्स हैं जो हम किसान मित्र बुलाते हैं। ये हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट लेवल पर जाकर किसानों को बताए, ऑप्शंस बताए कि सरकार उनके लिए क्या क्या कर रही है, कौन सी मशीनरी अवेलेबल है और पराली जलाना कैसे हार्मफुल है। और उन्होंने सुना, जब उनको पता ही नहीं था वो भी क्या करते बेचारे, उन्होंने सुना। और हमने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, भगवंत मान जी की सरकार में, इसमें दो तरह के मेजर्स इस बार यूज में है। एक है इन सीटू और एक है एक्सीटू। इन सीटू जैसा आप जानते हैं वो मेजर्स हैं जो ऑन साइट ही पराली का समाधान करेंगे। इसमें चाहे बायो डिकम्पोजर हो, चाहे CRM क्रॉप रेसिड्यू मशीन्स हो, जो 1.7 लाख ऑलरेडी थी उनको हमने ठीक तरह से डिवाइड किया। वो स्कैटर थी पहले, उनको जहां पर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन स्टेट्स में, वहां भेजा गया। उसके बाद 24,000 मशीन्स हमने और प्रोक्योर कर ली हैं, जिसके लिए एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जो बांटी जा रही हैं। इस पे हमने हैवी सब्सिडी दी है, इवन अप टू 80% सब्सिडी दी है। 100 बेलर मशीन्स आ चुकी हैं। पूसा 24, ये एक हिस्टोरिक डिसीजन है कि पूसा 44 जो क्वालिटी ऑफ राइस थी वो भगवंत मान सर की सरकार ने बैन कर दिया, क्योंकि इसका लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड होता था और ये एक ज्यादा वाटर कंज्यूम करने वाला क्रॉप था। तो ये एक हिस्टोरिक डिसीजन है, ये लिया गया। साथ ही एक्सीटू मेजर्स में जिसमें हम स्टबल को उठाकर स्टबल बेस्ड इंडस्ट्रीज को दे पाए, इसमें हमने 15 डिफरेंट बॉयलर यूनिट्स, इंडस्ट्री बॉयलर्स यूज करते हैं उनको पैडी देना शुरू किया। ये इंडस्ट्रीज हो गई जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसमें स्टीम का प्रयोग होता है, जिसमें पराली को यूज किया जा सकता है। ऐसे ही वहां की ब्रिक किल्स, जो पंजाब की ईंटों के भट्टे हैं, वहां मैंडेटरी कर दिया गया है कि 20% पैडी यूज होगी जलाने के लिए। ये मैंडेटरी हो चुका है पंजाब में। वहां पर हमने HPCL से ऑलरेडी टाई अप कर लिया है जो 50,000 टन पैडी लेगा, ये एथनॉल बनाने के काम आएगा। ऐसे ही डेयरी में हमारी बात राजस्थान और गुजरात से हो रही है कि वो पैडी ले ले और चारे के प्रयोग में यूज करें। ये बात लोकल तौर पे भी हो रही है और बाकी स्टेट से भी हो रही है। 5 बायोगैस प्लांट्स आज ऑपरेशनल हैं। 9 बायोगैस प्लांट्स नवंबर 2023 तक कर दिए जाएंगे। 34 और प्लांट्स एडिशनली अभी हमें खोलने हैं।
Thank you.